तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज किस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट साहब, और यहाँ से 2023 की हेमकुंड साहब यात्रा की शुरुआत होगी। तो मैं आपको इस यात्रा के रिलेटेड सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, कितने में कर सकते हैं और क्या क्या खर्चा होगा। तो ये सब जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो इस वक्त हम गोविंद घाट में, और गोविंद घाट से पहले आपको गोविंद घाट गुरुद्वारे जाना होगा, फिर पुलना तक की आपको मिल जाएगी शेयरिंग कैब, और उसके बाद फिर आप गंगारिया तक जाएंगे। और दो रास्ते आते हैं, एक फूलों की घाटी तक का रास्ता और एक हेमकुंड साहब तक का रास्ता। आपको हेमकुंड साहब की तरफ जाना होगा, 6 किलोमीटर की तिग्गी चढ़ाई है। तो इस वक्त हम खड़े हैं गोविंद घाट के पास की पार्किंग के एरिया में, और यहाँ पे 4 व्हीलर की पूरी यात्रा, मतलब जो भी 2-3 दिन की यात्रा है उसके आपके 600 रुपये के चार्जेज हैं 4 व्हीलर के, और 2 व्हीलर की पार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके 200 रुपये के चार्जेज हैं। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोविंद घाट के पास की ये शेयरिंग टैक्सी के स्टैंड के पास, और इधर से आप पुलना तक जा सकते हैं। आई थिंक 4-5 किलोमीटर का रास्ता है ना, तो 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, 50 रुपये आपके शेयरिंग टैक्सी लगेंगे ऊपर तक जाने के। इस ब्रिज से स्टार्टिंग होगी इस वाली यात्रा की। आप इनकी इस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हेमकुंड साहिब या चार धाम यात्रा की। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे ये भी लिखे कृपया 2 बजे के बाद गोविंद घाट से गंगारिया व हेमकुंड साहब जाना मना है, रास्ता जटिल व जंगली जानवरों का भय है। तो आज तारीख है 18 मई और हम हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट के पास में, और इसके बाद हम 19 मई यानी कल को गोविंद घाट से जाएंगे गोविंद धाम गुरुद्वारे तक यानी गंगारिया तक। उसके बाद हम 20 तारीख जिस दिन कपाट खुलेंगे 2-3 दिन हम करेंगे यात्रा गंगारिया यानी गोविंद धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहब तक। तो ये 3 नंबर काउंटर से आप रिहाइश के लिए कमरे या हॉल ले सकते हैं, और इसके टाइमिंग लिखी है दोपहर 1 से लेकर रात के 12 बजे तक। आपको ये आधार कार्ड दिखाना ज़रूरी होगा और लाइन में लगना ज़रूरी होगा, और चाबी नहीं मिलेगी आपको कमरे के, तो थानू अपना आधार कार्ड भी दिखाना जरूरी होगा जे तुसी रिहायश ली कमरा या हॉल लेना है। तो ये हमें स्टे करने के लिए ये मिले हैं, और इसमें ये सब जानकारी वगैरह लिखी हुई है कि आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, मतलब कितने मेंबर्स हैं, और हो सकता है आपको हॉल मिले या फिर कमरा मिले। तो ये हमने हॉल नंबर 210 में स्टे करा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बेड्स हैं, ऊपर भी है नीचे भी बेड्स हैं। यात्रा करने से पहले आपको एक गठरी कार भी दिख जाएगा यानी क्लोक रूम, और यहाँ पर आप अपना बैग रख सकते हैं क्योंकि 2 दिन की यात्रा है, और एक बैग ऊपर भी लेके जाना होगा, तो बड़ा वाला बैग आप यहाँ रख दीजिए। इसकी टाइमिंग लिखी है 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और बाकी गुरुद्वारा साहब यहाँ ऊपर जाके आपको दिख जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। और स्टे की बात करें तो हेमकुंड साहब आप स्टे नहीं कर सकते हैं, गंगारिया और गोविंद धाम में भी आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। खीर के साथ यहाँ दाल है और चावल है और जल है, साथ प्रसाद भी आने वाला है। श्री हेमकुंड साहब यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री हेमकुंड साहब 15 किलोमीटर, फूलों की घाटी 12 किलोमीटर यहाँ से, और गंगारिया 10 किलोमीटर है यहाँ से। हम आ गए हैं गंगारिया गांव यानी गोविंद धाम, और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे गुरुद्वारा गोविंद धाम साहब है। तो हूँ असी आ गए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी गोविंद धाम। तो इतने आते ही बारिश शुरू हो गई, अचानक एकदम ही बारिश शुरू हो गई इतने आते ही।
सुनत आ रही डिस्पेंसरी गुरुद्वारा गोबिंद धाम इतने रिहायश एनी अकोमोडेशन नहीं कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट हॉल्स से रूम्स वगैरह मिलते हैं संगत वगैरह आई हैगी बाकी उस पास दरबार साहब है इतने पैर की मालिश भी करा सकते सारे करते पे पैर की मालिश यात्रा की शुरुआत करती हो तो कल के दिन हमने करी थी गोविंद घाट से गोविंद धाम तक की यात्रा जो कि 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी और आज के दिन हम गोविंद धाम से हेमकुंड साहब जा रहे हैं जो कि 6 किलोमीटर का रास्ता है और काफ़ी तीखी चढ़ाई है ये सारे रास्ते की तो काफ़ी तीखी चढ़ाई है ये अब धीरे धीरे बर्फ दिखनी शुरू हो गई है ये कल की फ्रेश स्नोफॉल है जो हुई थी सामने नीचे देख रहे हो आप वो गोविंद धाम है वहाँ से शुरुआत करी थी हमने आज के ट्रैक की अब हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और आधा रास्ता ही हुआ अभी देखते हैं आगे क्या होता अब ये सामने जो ब्लू ब्लू देख रहे हो ना आप ये वॉशरूम है जगह जगह पे दिख जाएंगे आपको ये सारा ग्लेशियर का पानी है नीचे पैर गीले हो गए अरे सारा नीचे नीचे जा रहा है सारा कितने साल का होएगा 25 साल तक अच्छा अच्छा बड़ा प्यारा है साइड चलिए अपनी साइड चलिए मेरे आगे देखो मेरी हाइट से भी ऊंची बर्फ है यहाँ पे यहाँ से सीढ़ियों की शुरुआत है ये देखो सारे लोग रुके हुए हैं मुश्किल है ना सीढ़ियाँ चढ़नी इसलिए बट हम ये रूट ले रहे हैं जहाँ से जरा एक मिनट रुको और नेचर को देखो कितना कमाल का नज़ारा है ना आ गए बस हम है ना ऊपर तक सो ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए आप यहाँ का काफ़ी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे और फिसलन भी काफ़ी है तो यात्रा करने आते हो तो आप ध्यान से आए यहाँ पे धीरे धीरे करके बर्फ बढ़ती जा रही है ऊपर जाके और हेमकुंड साहब के काफ़ी करीब है फ्रेश स्नो है सारी बड़ी फिसलन है इस रास्ते में और दूसरी बात एक ये है कि यहाँ पे घोड़े बड़े चलते हैं जिसके कारण हमको स्लो बड़ा चलना पड़ता है इनके चक्कर में पीछे से बड़ा उतरता है
इसलिए हमसे हेमकुंड साहब तक की यात्रा 5 बजे सुबह शुरू करी थी मैंने, और ठीक 9 बजे हम आ गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये सारा पोनी स्टैंड है, यहाँ से नीचे गोविंद धाम है, गोविंद घाट तक के लिए हॉर्स ले सकते हो। अब हम फाइनली आ गए हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। ये वाहेगुरु है लंगर हॉल, ए सामने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, तो ए सरोवर साहब विचकार निशान साहब। निशान साहब गुरुद्वारा हेमकुंड साहब ते लंगर हॉल। शाबाशी काट दे पहला। ये इतिहास है हेमकुंड साहब का। ये खिचड़ी खिचड़ी यहाँ पे मिलती है, खीर है, दलिया। अच्छा दलिया है, दलिया। बाकी चाय वगैरह भी मिलती है? हाँ जी, आज चाय देखो, चाय भी मिलती है। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है, इसका नाम है श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। इसका भी कोई इतिहास है, मुझे हज को तो मालूम नहीं है। हेमकुंड साहब के बिल्कुल साथ में ही है मंदिर ये। लक्ष्मण मंदिर, तो अगर आप अमृत लेना चाहते हैं तो यहाँ के सरोवर से ले सकते हैं। ये फोटो वगैरह भी खींचते हैं हेमकुंड साहब के साथ यहाँ पे, इनसे पूछते हैं क्या रेट है इसका। वीर जी की रेट है क्या? 50 रुपये। 50 रुपये एक फोटो दे, कर दोगे फोटो? मथा टेके जैसे आप 12 हो गए ना, फोटो मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छे टाइम पे वापस जा रहे हैं। अब स्नोफॉल हो रही है बहुत तेज, और रेनकोट डाल लिया सब ने। और एक बात आपको मैं बतानी भूल गया कि हेमकुंड साहब वो 12 बजे के बाद बोलते हैं कि आप वापस चले जाओ, और कुछ लोग कहते हैं 1 बजे, कुछ लोग कहते हैं 2 बजे, एंट्री नहीं करते लोगों की। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके 5 बजे, 4-5 बजे निकलें, और तभी मतलब बहुत एक्सट्रीमली स्लो पेस पे आओगे तभी आप ये यात्रा कर पाओगे।